अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है नीलू जी के साथ काम करने का, अच्छी आर्टिस्ट है और पहली बार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम हो रही है और अच्छी शूटिंग हो रही है यहाँ के बलिया में भी। यहाँ के लोग बहुत सपोर्टेड है, अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं यहाँ का कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं यहाँ पे, तो मज़ा आ रहा काम करके। सबसे ज़्यादा तो मज़ा देव भैया के साथ आ रहा है क्योंकि इनका भी घर बलिया ही है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है। मैं ये फिल्म किया भी इसीलिए कि बलिया में शूटिंग हो रही है और मैं बहुत दिन से बलिया में शूटिंग करना चाह रहा था और प्रेम ने एक ऐसी बात बोली थी कि भाई ही कह सकता है, तो मैंने कहा करते एक फिल्म। और जिस दिन से आया हूँ मैं तब से तो ससुराल के खाना खाते हैं, कब है ससुराल कब हो ससुराल के, मतलब एक बसंतपुर में ससुराल एक सुखपुरा में ससुराल दोनों तरफ शूटिंग हो रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और होटल में लोग रोज़ मिलने आते हैं तो ये लगता है कि अपने कहते हैं ना कि घर में घर बाहर दुनिया में इज्जत कमाला, घर में इज्जत ना मिले तो क्या इज्जत, घर में इज्जत मिलल बा एक खुशी बा। और हम प्रेम से भी बोलब कि अगर मौका मिले तो एक शूटिंग फिर करस, अब अभी हमारा गाँव करस, वो जो बहुत बड़े बड़े लोकेशन बा और हमने यह एक मंदिर बहुत फेमस बा चैन राम बाबा के, तो चैन राम बाबा के जाकर दर्शन करा, बहुत बा भृगु महाराज के दर्शन करा। देखिए प्रेम ने बहुत पहले अभी एक बात बोली कि हम लोग 5 दिन में बहुत कुछ सीखा और बहुत फिल्में की, तो मैं भी सीख लगता कि एक्टर कोई भी हो कौन क्या आपको सिखा दे क्या आप ले ले, हर एक इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छाइयाँ ले लीजिए भले बुराइयाँ मत लीजिए। तो मुझे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो लेना है। प्रेम के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसकी एनर्जी, और ये सब बहुत कम एक्टर में होता है जो एनर्जी लेवल, शाहरुख खान रणवीर सिंह एक एनर्जी लेवल जो है वो एक्टर में बहुत कम मिलता है और इनके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी है और इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि आगे भी अच्छी फिल्में करें और बड़े बड़े फिल्में करें। और इस फिल्म में काम करके बस इतना ही कहूँगा कि पूरा अपनापन लगा, पूरा ऐसा लगा कि मैं घर में ही शूटिंग कर रहा हूँ और घर में ही कर रहा हूँ, तो सब लोग अपने जैसे ही मिले। छोटा भाई जो है छोटे भाई की तरह ज़िद भी करता है और छोटे भाई की तरह डांट भी खाता है, तो खुशी है कि ऐसे भाई और दो चार हों और अच्छी अच्छी फिल्में करें। एक प्रेम है, एक चोपड़ा भी आ जाए वो भी बने। थैंक यू सो मच। समीर जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन्होंने इनके ड्रीम प्रोजेक्ट है ये बोले थे कि बहुत दिन से कहानी को लिख कर रखे थे, सोच कर रखे थे, जिसको आज 2-3 साल बाद ये हो रहा है, साकार कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं और हम लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें, भैया का बहुत सहयोग रहा है इसमें और अच्छी कर रहे हैं काम। और मुझे लगता है कि फिल्म बना के उन एक अच्छा मुकाम पाएंगे और दर्शकों के बीच एक अच्छा फिल्म साबित होगी। और हमने यहाँ आनंद स्वरूप शुक्ला जी से, मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट भी किया, विनती भी की है, हमारे यहाँ नारियल तोड़ने आए थे कि जिस तरह से गोरखपुर में हब बन गया है, जिस तरह से लखनऊ में हब बन गया है, हम चाहते हैं कि बलिया में बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं। और इस फिल्म से मैंने एक चीज़ अच्छी देखी कि बहुत ऐसे कलाकार हैं जो जिसके अंदर बहुत प्रतिभाएं छुपी हुई थी और वो निकल के आ रही हैं कि चलो हमारे बलिया से जो एक्ट्रेस हैं उनको देख के उनको एक्टर बनने का एक जो निकला है। आप देखिए रात को ठंडे लेकिन इतने सब लोग हैं, सब एक्टर यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि बलिया में भी एक पूर्वांचल का हब बने ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो जो थिएटर करते हैं, जो काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, वो यहीं काम करें, अपने घर में काम करें, रोज़गार मिले, इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। फिल्म तो अभी जैसे पंगेबाज रिलीज हुई, पंगेबाज के बाद आरजू रिलीज होने वाली है, चांद संदुलन मार आ रही है, सैया 420 आ रही है, या घुंगरा उठन धीरे धीरे आ रही है, पंगेबाज 2 आ रही है, अभी बांध के दुपट्टा में दिल लग गई आ रही है और अजनबी की भी, अजनबी भी आ रही है, काफ़ी फिल्में आ रही है। कहना क्या चाहूँगा, ईश्वर है तो सब ठीक है, बाकी सब आप लोग का आशीर्वाद है, जो भी होगा अच्छा होगा वरना कुछ नहीं होगा। जी बोले तो सही बोले आप कि पंगेबाज ही मेरे करियर को एक दिशा दिया और मुझे दो रोटी कमाने का अगर मौका मिला तो उसे पंगेबाज से ही मिला। उस फिल्म में मैंने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया, जिसके प्रोड्यूसर हमारे हिमांशु शेखर चौधरी जी है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, सुनील जी है जिन्होंने मुझे अपने बेटा बना के मेरे पीछे 50 लाख की मूवी बनाई कि चलो कुछ हो ना हो लेकिन तुम स्टैंड हो जाओ, तो उनके लिए एक बार हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत कुछ किया है और आप आज के आपके वजह से मैं बॉम्बे में हूँ और इतनी फिल्में कर रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ पंगेबाज की वजह से। पंगेबाज के लिए सुना है कि आपने जेल में काफी पसीने बहाए ताकि राउडी हीरो के साथ। जी जहाँ पंगेबाज में मैंने वो जुहू बीच पर जाके काफ़ी दिन तक स्टंट भी किया था, फाइट भी किया था वहाँ पर,
और 2-3 महीना तक कंटिन्यू पसीना बहाया हूँ, तब जाकर फिल्म दिख रही है। जी हाँ, पार्ट टू की तैयारी हो चुकी है, अनाउंसमेंट होना बाकी है, सेम प्रोड्यूसर है और देखते हैं कौन करता है इसको। और मैं साइन हूँ इस पिक्चर में भी। कहानी बहुत ही उम्दा कहानी है, अभी सीक्रेट रखा हूँ, अभी कुछ फ्लैश नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया कहानी है और बहुत जल्द उसकी शूटिंग होगी। मैं तो अमरपाली जी के साथ काम किया हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सीनियर गुंजन पंत जी है जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनके साथ मेरी 2-2 फिल्में हैं और अच्छा, एक फिल्म में गुंजन पंत जी की अजनबी और एक फिल्म उनके साथ किया चांद जैसा दुल्हन अमर, जिसके ट्रेलर अभी यूट्यूब पर रिलीज है। और तनुश्री जी के साथ मैंने किया पंगेबाज और फिर तनुश्री जी के साथ किया आरजू, अभी नीलू शंकर जी के साथ कर रहा हूँ। अभी कुछ फिल्में साइन है, एक एक्ट्रेस है हमारी अच्छी फ्रेंड है श्रुति राव जी, उनके साथ मेरी 2-3 फिल्में साइन है, उनके साथ भी फिल्में मेरी आ रही है। और आगे रितु सिंह जी है, उनके साथ भी फिल्में आ रही है। और एक फिल्म है और जो काजल अगवानी जी हैं जिनके साथ भी फ्लैश हो रही है, वो भी फिल्म आएगी उनके साथ। तो स्क्रीन टॉप के एक्ट्रेस के साथ अगर स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? सीखना भी तो ज़रूरी है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। और ये जो एक्सपीरियंस वाले आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस लोग है, इससे कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कोशिश करूँगा कि अच्छा सीखूँ और अच्छा करूँ। थैंक यू। बस कुछ नहीं बोलता हूँ, हमेशा एक ही बात बोला हूँ, सर झुका रहा हूँ, आशीर्वाद आप लोग दीजिए। थैंक यू सो मच।